हमारा सेटअप कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है अभी के लिए। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा नया एक्शन कैमरा SJ Cam SJ6 लीजेंड। तो इस कैमरे के साथ हमने SJ Cam का ये SJ6 माइक भी परचेज कर लिया था। ऑफलाइन से लिया ये दोनों मैंने। ये पड़ा मेरे को 1700 रुपया ऑफलाइन में इसका। हाँ, ऐसा ही 1800-1900 के आसपास था। तो सस्ते मेरे को एक पहचान का दुकान था, उधर से मेरे को सस्ते में मिल गया। और ये कैमरा पड़ा मेरे को 10,500, ऑनलाइन पे इसका प्राइस 11,000 के आसपास होगा। और इसका 1 ईयर का वारंटी भी है, तो ऑफलाइन में थोड़ी हेल्प होती है। ऑनलाइन में और वारंटी क्लेम करने जाओगे तो बहुत परेशानी हो जाएगी आपको। तो ये रहा हमारा कैमरा, ओपन करते इसको। तो इस कैमरे के साथ हमको एक वाटर प्रूफ केस भी मिलता है, ये देखिए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। हम इसको पानी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर बिना वाटर प्रूफ केस यूज़ किए हमने पानी में घुसा दिया तो ये हमारा कैमरा एकदम बर्बाद हो जाएगा। तो मेक श्योर कि जब भी आप पानी के अंदर इसको यूज़ करें तो ये केस ज़रूर लगा लेना। तो ये रहा हमारा एक्शन कैमरा, कुछ इस हालत में मिलता है आपको, मतलब ऐसे मिलता है। इसमें आपको डुअल स्क्रीन मिल जाता है और 16 MP का मेगा पिक्सल होता है इसका। एंड इस पे आप 4K पे 24 FPS में भी इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये जो फ्रंट स्क्रीन है ना, इस पे आप अपना शक्ल नहीं देख सकते, लेकिन इस पे जो रिकॉर्ड हो रहा है या फिर सेटिंग ऑप्शन दिखा दो आपको, पहले ऑन कर लेते इसको। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेटिंग ऑन किया तो यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, कुछ ऐसा ही, मतलब इसका फ्रंट स्क्रीन का फीचर है। तो बाकी कैमरा ओवरऑल अच्छा ही आ रहा है मेरा, मतलब स्टार्टिंग के लिए बेस्ट कैमरा होगा, क्योंकि स्टार्टिंग पे आप इतना बजट यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको ये सभी लेना पड़ेगा। SJ Cam का SJ4 भी आता है, जो आपको 5,500 या ऐसा कुछ मिल जाएगा, लेकिन उसमें आप एक्सटर्नल माइक उस पर यूज़ नहीं कर सकते। उसका जो माइक होता है उसका मतलब ये माइक का जैक ही नहीं होता, तो मोटो व्लॉगिंग में एक्सटर्नल माइक नहीं होगा तो आपको क्या फ़ायदा। और इसके साथ क्या क्या मिलता है आपको वो भी दिखाता हूँ, रुके इसको साइड पे रखते हैं अभी के लिए, कैमरे को इधर रखते हैं। तो इसके साथ हमें एक कपड़ा मिलता है जो कि कैमरे को साफ करने के लिए काम आएगा, क्योंकि तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ पहले। इसका मतलब टच स्क्रीन है, तो वही अच्छी बात है, हमारे लिए हेल्प होगा टच स्क्रीन की वजह से बहुत कुछ। ऑफ करते हैं तो यहाँ पे साइड पे रखते हैं। ये कुछ माउंट है, बहुत सारे माउंट मिला है मेरे को, लेकिन काम आएगा धीरे धीरे, इतना भी कुछ। और ये चार्जिंग केबल है, और ये SJ Cam का 2 स्टिकर, एंड ये जो मैं तो पढ़ूंगा नहीं इसको। और ये केस मिलता है मेरे को, जो वाटर प्रूफ केस में नहीं यूज़ करोगे तो इसको यूज़ करके आप मोटो व्लॉग कर सकते हो। एंड अगर वाटर प्रूफ केस में यूज़ करोगे तो मतलब ये माइक जो होता है ना, ये माइक बाहर से इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर यूज़ करना है तो आपको इधर से होल्ड करना होगा या फिर कुछ जुगाड़ करना होगा, लेकिन अगर माइक यूज़ करना है तो आपको ये केस में यूज़ करना पड़ेगा। और ये, एंड ये रहा मेरा जे माउंट, जो मैंने इसके साथ नहीं आता एक्चुअली, मैंने ये बाहर से ख़रीदा है, 100 रुपया का, 100 रुपये में मिला है मेरे को, वही दुकान से मिल जाता है आपको। तो ये जो कैप है, इसको अब मैं जब चार्जिंग पे लगाऊंगा तो मैं इसको ऐसे कवर करके रख सकता हूँ, इस पर डस्ट नहीं गिरेगा, धूल मिट्टी नहीं गिरेगा, तो आपका ये जो मतलब ये होगा, ये कवर होगा, सिक्योर रहेगा थोड़ा। तो बस ओवरऑल मेरे को ये सब भी मिला कैमरे के साथ। और ये माइक जब मैं हेलमेट पे अपना लगाऊंगा तो उसका रिकॉर्ड कैसा आता है, वॉइस कैसा आता है, तो मैं वो आपको बाद में दिखा दूंगा, आखिर में दिखा दूंगा वीडियो पे। तो बस ये यही तक, बाकी का वीडियो बाद में देखेंगे। तो आप ये कैमरे पर ऑफ कर देते। तो ये है मेरा हेलमेट जिस पे मैं अपना ये माइक लगाऊंगा, ये वाला SJ Cam का। ये हेलमेट का वीडियो कुछ दिन पहले मैंने डाला था, तो अगर नहीं देखा तो देख लेना ज़रूर। इस पर मैंने जे माउंट फिट कर दिया है। मेरे हेलमेट में पहले ही मैंने MC लगा के ऐसा कुछ सेटअप बना रखा था, बस इस पर जे माउंट
फिटिंग करना था, और इसके अंदर मैं अभी इसका पैडिंग खोल के इसके अंदर मैं ये माइक फिट करने जा रहा हूँ। तो वही देखिए, कुछ जुगाड़ करने के बाद फाइनली हमारा जो माइक है वो अंदर हमने फिट कर दिया है। अभी बस इसे क्लिप को फिट करना हो गया। तो ये रहा हमारा माइक का। तो हम अब इस पर कैमरा माउंट करेंगे, इसको ट्राई करेंगे कि देखते कैसा आ रहा है। तो आपको भी वो क्लिप मिल जाएगा अभी के लिए। सो हमारा सेटअप कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है अभी के लिए। बस मैंने ये अभी के लिए बनाया है, बाद में मैं अब इसको चेंज कर दूंगा। ये हमारा माइक भी कनेक्ट हो गया। तो अभी इसका साउंड क्वालिटी कैसा आ रहा है मैं आपको स्कूटी में दिखाता हूँ चला के। तो स्कूटी में बने आइए। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ घर के सामने से। आप थोड़ा चुप। मैंने कैमरे का कुछ ज़्यादा सेटिंग अभी ऑन नहीं किया है, बस जैसा नॉर्मली बेसिक में आता है वैसा ही, वही सेटिंग में अभी मैं इसको दिखाने जा रहा हूँ। पानी बोतल इधर रख देता हूँ। और कैमरा एंगल भी कैसा आता है मैं वो अभी चेक कर लूँगा। हाँ आवर गान का, गान का आवर। तो मैं चेक करके आता हूँ बस कैसा रहे। आ रहा। क्या हुआ? तो मैंने अभी इसका जो इंटरनल माइक आता है इसके साथ ही आता है, तो मैं उसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसका साउंड क्वालिटी कैसा आता है तो कमेंट करके बताना कि कौन सा साउंड क्वालिटी अच्छा है। और माइक का फिटिंग भी अच्छे से मैं नहीं कर पाया क्योंकि माइक जहाँ पे रखा है पता नहीं मुझे कहाँ पे रखते हैं ऐसे, तो मुझे जहाँ पे जगह मिला मैंने वहीं पे घुसर दिया माइक को। तो धीरे धीरे उसको भी थोड़ा बेटर करेंगे। मैं ज़्यादा दूर जाऊँगा नहीं, मैं किस हालत में आया देख लीजिए। हाफ पैंट पहन के निकल आया मैं घर से। बस आगे कोई